मेटा के सीईओ जो 699 रुपए में आपको ब्लू टिक बांटते फिर रहे, उनको ट्रोल करते हुए आशीष चंचलानी ने एक क्लिप शेयर की है। सालो क्या कर रहा है, लाइट संभाल के भाई। सॉरी टूट गया। सालो नेटफ्लिक्स का 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने से फटती है तुम लोग की, सातों का वेरिफिकेशन करवा रहे हो। इंस्टाग्राम पर एक बड़ा पंगा चल रहा है जिसकी वजह से आपको उन लोगों के भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हो, और इसके साथ ही जिन लोगों ने 699 रुपए देकर ब्लू टिक को परचेस किया है उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि मेटा ने एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि जिन लोगों के पास पहले से ओरिजिनल ब्लू टिक था उन लोगों को गोल्डन टिक दिया जाएगा, और जिन लोगों ने पैसे देकर खरीदा है उनका पैसा 2 महीने के बाद रिटर्न किया जाएगा। 8-bit मांबा आपको अब यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसी बिस्तर पे अपनी सोना खाना पीना जगना उठना सब कुछ अपना यहीं पे ही है, एंड बस यहाँ पे, एंड यहाँ से हिम्मत करके वॉशरूम तक जाना, बस यहीं तक की अपनी लाइफ है। दरअसल लगातार लाइव स्ट्रीमिंग करने की वजह से उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है और डॉक्टर ने उन्हें 2 वीक तक प्रॉपर बेड रेस्ट करने को कहा है। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान को लगा एक बड़ा झटका। दरअसल 2023 का एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, लेकिन BCCI ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था, तो उसका रिप्लाई करते हुए पाकिस्तान ने भी कहा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि एशिया कप के 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे जिसमें टीम इंडिया के 1 भी मैच नहीं होंगे, और बाकी 9 मैच श्रीलंका होस्ट करेगा जहां टीम इंडिया खेलेगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद।